हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक टू विशाल में। सो आज वीडियो बहुत ही कमाल करने वाले, क्योंकि आज वीडियो हम करने वाले रियलमी सैमसंग का एक नेक बैंड का रिव्यू। क्योंकि ये रहा हमारे पास रियलमी सैमसंग वाला रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 नियो, जो कि काफ़ी कमाल का नेक बैंड है। ये आपको नॉर्मली 1500 रुपये की प्राइसिंग में देखने को मिलता है। तो इसे हमने एक महीने पहले परचेस किया था, 1400 रुपये की प्राइसिंग चल रही थी इसकी फ्लिपकार्ट पे। तो उस समय हमने इसे परचेस किया था और अभी मैंने देखा इस पर डील चल रही है 999 रुपये में ये आपको मिल जा रहा है, और या फिर 1100 रुपये में आसपास में आपको डिफरेंट कलर भी मिल जा रहा है। अगर आप येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में लेते हो तो 999 रुपये में 1000 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई भी डिफरेंट कलर ले रहे हो तो 1100 रुपये, हो सकता है इसकी भी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाए 100 रुपये ये भी कलर की, हो सकता है। यार मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, फ्लिपकार्ट पे प्राइसेस अप डाउन होती रहती है, तो नॉर्मल सी आम बात है। तो इस ऑफर में अगर आपको ये 1200 रुपये तक का भी मिल रहा है तो काफ़ी कमाल का है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इस ईयरफोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म रिव्यू, मतलब एक महीने में कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं, तो 1 से 1.5 महीने बाद कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कैसी इसकी क्वालिटी अभी भी अच्छी आ रही है नहीं, क्या इसे आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। एक मेरे पास प्रोडक्ट है, एक और नेक बैंड है मीवी कॉलर क्लासिक, उसके साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मैं ले आऊँगा, क्योंकि वो ईयरफोन वो भी काफ़ी कमाल का है। उसमें एक फीचर है, 10 मिनट चार्ज करोगे तो 10 घंटे का बैकअप मिलता है, तो वो भी काफ़ी कमाल का नेक बैंड है। अगर उसके साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मीवी कॉलर क्लासिक वर्सेस रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 नियो, इन दोनों के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो तो भाई फटाफट से कमेंट कर देना। और इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा से मिलती रहे। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख सकते हो ये हमारे पास आता है रियलमी बर्ड्स के तरफ रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 नियो का बॉक्स, कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेज यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है, और इस साइड में भी, और यहाँ पे पीछे में कुछ फीचर, 11.2 mm के ड्राइवर्स इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग आपको यहाँ पे 2499 आप देखने मिल रहा है, मतलब 2500 रुपये, बट ये आपको 999 में मिल जाता है। और मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम है, मतलब मेड इन चाइना नहीं है, बट ब्रांड तो चाइना की ही है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि वियतनाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो वियतनाम प्रोविंस करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, मतलब थोड़े बहुत पानी के छींटे से आपका बच जाएगा, फुली वाटरप्रूफ तो नहीं है बट हल्के फुल्के पानी के स्प्लैश से बच जाएगा, मतलब लाइट रेन हो रही है अगर आप निकाल के घूम रहे हो, पहन के घूम रहे हो, तो आपका बच जाएगा। 88 ms की गेमिंग लेटेंसी देखने को मिल रही है, 1 से 2 सेकंड आपका गेम में साउंड थोड़ा लेट आएगा, मतलब 1 सेकंड ही मान सकते हो, 1 से 1.2 सेकंड आप कह सकते हो। और यहाँ पे 17 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिल रही है कंपनी बोलती है, बट यहाँ आपको 14 घंटे ही मिलती है, 13-14 घंटे ही मिलती है देखने को, यहाँ पे कंपनी 17 घंटे बोलती है। और मैं कंपनी थोड़े से चढ़ा के दिखाई, 120 मिनट बोल रही है 10 मिनट के चार्ज में, मतलब यहाँ पे 2 घंटे नहीं बोलेंगे, 120 मिनट, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाया जा रहा है ताकि आपको बुड़बक बना सके। खैर बात करें हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग की, तो बॉक्स को जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ट्रे मिलेगा, इस ट्रे में आपका नेक बैंड है, और इस ट्रे के नीचे में एक और प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क एंड केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं इन सबको निकाल लेता हूँ, तो मैंने वापस इसे पैक किया, मेरे को पता है इसके अंदर क्या, क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया 1 महीने हो चुके इसे यूज़ किए हुए। और यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने को मिलता है, USB to Type-C, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। और ये केबल काफ़ी छोटा है, तो इसमें छोटा ही मिलता है कभी सभी ईयरबड्स में आप। और यह फ्लिपकार्ट का बिल है, इसके मैंने दिखाऊंगा कि इसमें फ़ोन नंबर और एड्रेस, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल, मतलब प्रेम पत्र, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे किसी के हाथी के कान, चूहे के कान होते हैं, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, तो मैंने सबसे बड़े वाले ईयर टिप्स लगाए क्योंकि मेरे हाथी के कान है, और आपके चूहे कान है तो आप छोटे वाले लगा सकते हो। इसमें मीडियम लगा हुआ रहता है, मैंने मीडियम निकाल कर इसमें रख दिया है, और अपने हाथी के कान के हिसाब से मैंने सबसे बड़े वाले ईयर टिप्स इसमें लगा रखे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल रही है प्रीमियम फील, मतलब काफ़ी वन प्लस बुलेट्स जो आपको देखने को मिलता है ना, बिल्कुल उसी की तरह आपको ये फील दे रहा है देखने को। और यार बॉक्स में इतना टाइट पैक हो गया, जो मैं निकाल लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फीचर दिया गया, इंस्टेंट मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे जैसे ही आप मैग्नेट को दूर करोगे दोनों मैग्नेट से, तो ये पावर ऑन हो जाती है। इसमें आपको पावर बटन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे ग्रीन लाइट भी जल रही थी, तो जैसे ही ऑन करो निकालोगे तो ग्रीन लाइट जलने लगी, मतलब ये पावर ऑन हो जाता है। और यहाँ पे पावर बटन नहीं देखने को मिलता है, यार फोकस हो जाए थोड़ा सा, हाँ
या फोकस हो गया। ये बीच वाला कॉल आंसर गाना प्ले पाउज करने के लिए है, और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस डाउन एंड सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने पे सॉन्ग चेंज हो जाता है, प्रीवियस ट्रैक नेक्स्ट एंड प्रीवियस हो जाता है यहाँ से, और आपका यहाँ से पावर ऑन ऑफ हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने इन्होंने हटा रखा है, यहाँ पे पावर ऑन हो गया, ग्रीन दिख रहा है, और अभी भी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कुछ देर में बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया ना, तो कुछ इस तरीके का काम करता है फीचर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ग्रीन जलने लगा, फिर ये काम करने लगा, फिर ये देखो हटाया जैसे वैसे ग्रीन जलने लगा, और ये जैसे हटाया बंद हो गया। कुछ इसी तरीके से वर्क करती है ये मैग्नेटिक, इंस्टेंट मैग्नेटिक, काफ़ी अच्छा। ये आपको वन प्लस बुलेट्स में देखने को मिलता है, तो वो फीचर आपको इसने कम प्राइस में 999 रुपये में मिल रही है अभी ऑफर में, ये 1200 रुपये में मिल रही है, या फिर इसी प्राइसिंग में आजकल चल रही है ये 1000-1200 रुपये में, और ये 1500 रुपये की प्राइसिंग में बिकती है। मैंने इसे 1400 रुपये में परचेज़ किया था एक महीने पहले, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल है। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है आपको, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, और आप देख ही सकते हो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है। और आप देख सकते हो ब्रेडेड केबल तो नहीं है, बट हाँ केबल की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे से आप बेंड भी कर सकते हो, मतलब मैंने बेंड करके देख लिया, मतलब निकल नहीं रही है, काफ़ी मजबूत है। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक सी है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है बोल सकते हो इसको, आप एक अच्छी क्वालिटी की ईयरफोन आप बोल सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी ईयरफोन्स। नेक बैंड आपको 1000 रुपये में मिल रही है, जो कि वन प्लस बुलेट्स आपको जो प्रोवाइड करती है उसकी उस तरह की लेवल की फीचर। बस वन प्लस बुलेट में आपकी बैटरी लाइफ कुछ ज़्यादा है, इसमें बैटरी लाइफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की, ईयर की फिटिंग और साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अमेजिंग है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह की साउंड क्वालिटी, ईयर की फिटिंग वगैरह मेरे कान में अच्छे से फिट हो चुका है। मैंने ईयर टिप्स भी चेंज कर लिए, मेरे कान में पहले ढीला हो रहा था, तो मैंने बड़े वाले ईयर टिप्स लगाए, तो मेरे कानों में फिट बैठ चुके हैं। तो यही रहा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर एंड टाटा, गुड बाय।